सिख गुरुओं के लिए औजार बनाए, स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के लिए हथियार बनाए, छुरी चाकू और मध्य प्रदेश में लोहे के औजार बनाने में महारत हासिल करने वाले समाज को आज़ादी के बाद हथियार बनाने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ी। फिर धीरे धीरे यह समाज कानून की नज़र में अपराधी बन गया। लेकिन क्या यही है इस समाज का सच? मध्य प्रदेश से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। लाखों का सोना ले गए सिकलीगर, एनआईए की सिकलीगरों से पूछताछ, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में सिकलीगर कनेक्शन। दिखता ही नहीं तो क्या काम कर लेंगे यार सर, त्याजे हो गए अभी बच्चे उच्चे कहीं नहीं, क्या यार भाई बंद है, भाई बंद भी कब तक खिलाएंगे? पेंशन वगैरह मिलती है सरकार की तरफ से? कुछ भी नहीं देते, 10 बार शिकायत कर दी, कहीं भी नहीं सुनते पंचायत वाले, कहीं भी काम नहीं करते। पंचायत वाले बोलते बढ़वाने जाओ, वो लिखवा के लाओ। बब्बू देख नहीं सकते, पलसूद के खालसा नगर में रहते हैं, लेकिन कोई दिव्यांग पेंशन नहीं मिलती। ये और बात है कि सिस्टम देख सकता है बब्बू सिकलीगर है। इस टूटी पुरानी स्कूल की बिल्डिंग को सीताराम का घर कह सकते हैं, जहां वो अपने 3 बच्चों के साथ रहते हैं। पलसूद के सिकलीगर फलिया में 50-60 घर हैं, 300 से ज्यादा लोग रहते हैं। हैंडपंप चुनाव में चले तो पता नहीं, वैसे साल भर सूखा रहता है। सड़क है नहीं, बिजली का कच्चा पक्का इंतजाम है। पानी भरने के बर्तन सड़क पर दिख जाएंगे। 5वीं तक आंगनबाड़ी, इसके बाद बच्चों का स्कूल लगभग छूट ही जाता है। छोड़ना चाहते हैं हम, हमारे आने वाली पीढ़ी भी सुधर जाएगी। स्कूल बच्चे लोग कहाँ जा रहे हैं, उनकी फीस भरने के लिए पैसे नहीं, बच्चे कहाँ से जाएंगे? आंगनबाड़ी में 5वीं 6वीं पढ़ते हैं बस, उससे ज्यादा 5वीं 6वीं से ज्यादा कोई ज्यादा बच्चा पढ़ता नहीं पाता है, पैसे दे नहीं पाते ना, क्योंकि सब पैसा लगता है। इतना 1 लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, कहाँ से लाएंगे गरीब लोग? मारपीट होती है, भागते हैं बच्चे, खाना टाइम पे नहीं खाते हैं, बाजार जाते हैं तो वहाँ गिरफ्तार हो जाते हैं, ऐसा है। शासन प्रशासन हमको अगर मुख्य धारा से जोड़ दे तो बहुत बहुत बड़ी इनकी जिम्मेदारी रहेगी, अच्छा का अच्छा रहेगा, हमको मदद भी इनसे मिल जाएगी। महाराष्ट्र से लगे मालवा निमाड़ के 4 जिलों खरगोन, धार, बड़वानी, बुरहानपुर में लगभग 20,000 सिकलीगर रहते हैं। सिकलीगर लगभग 300 साल से हथियार बना रहे हैं, लेकिन आजादी के बाद बगैर लाइसेंस के हथियार बनाना और बेचना गैर कानूनी हो गया। इस अपराध के लिए सिकलीगरों को जेल तक जाना पड़ गया। सिकलीगर अपने पेशे में ही रह गए, कानून व्यवस्था आगे बढ़ गई। आज कई सिकलीगर मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, लेकिन इस जेल में बिताया गया वक्त और अपराधियों का टैग उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। हमारे साथी हेमंत शर्मा ने कुछ सालों पहले सिकलीगरों के साथ ये तस्वीरें ली थी कि कैसे वो ट्रक की कमानी और पट्टे जैसे कबाड़ को 2 इंच से लेकर 5 इंच तक की आरियों से घिसते हैं, पट्टे से पिस्टल का हत्था बनाते हैं, पाइप से बंदूक की नाल बनाते हैं, ट्रिगर के लिए पूरा काम आरियों की घिसाई से होता है, 10 से 15 दिनों में हथियार तैयार। लेकिन सिकलीगरों को इसके लिए 5,000 रुपए मिलते हैं, बिचौलिया दोगुना कमाता है, वो दूसरे शहर में से 20 से 25,000 रुपए से भी ज्यादा में बेच देता है। अवैध हथियार शस्त्र बनाने का काम करते हैं हमारे समाज, उसमें तो 60-70% नहीं करते हैं, जो 30-20% करते हैं, लेकिन उनके लिए ये किया जाए कि उनको रोजगार से जोड़ दिया जाए तो वो शस्त्र क्यों बनाएंगे। हालांकि हथियार बनाने वाले सिकलीगरों की तादाद अब बेहद कम है, लेकिन ये पहचान पीछा नहीं छोड़ रही। सिकलीगर समाज पे एक आरोप हमेशा बना रहता है कि वो आर्म्स, फायर आर्म्स बनाते हैं, पिस्टल कट्टे बना के बेचते हैं। ये बात सही है कि वाकई इसको में अधिकांश यही काम किया जा रहा है। अभी ज्ञात हुआ है कि ये मुख्य धाराओं से जुड़ना चाहते हैं और गांव के कुछ लोग जो हैं इस धंधे को छोड़ना चाहते हैं और गांव में निगरानी कर अवैध धंधा इस प्रकार का करना बंद करना चाहते हैं, तो पुलिस तरफ से इनका स्वागत है, पुलिस इनको मदद करेगी और जो भी शासन प्रशासन की योजनाएं हैं ये उनका लाभ ले सकते हैं। सिकलीगरों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, गांव तक पहुंचते ही विकास का रास्ता भटक जाता है, नौकरी नहीं है, रोजगार के लिए लोन मिलना मुश्किल है। वो अवैध रिवॉल्वर बनाना छोड़े, इसके लिए जरूरी है शासन प्रशासन भी उनके लिए रवैया बदले। पलसूद से मुनाफ के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।